नमस्ते स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स टुडे वी आर इन लेक्चर नंबर सेवन ऑफर चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी आज के लेक्चर में क्या क्या इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमें पढ़ने स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स सबसे पहले हमें पढ़ना है अबाउट गैल्वेनोमीटर एंड वंस वी आर डन विद दैट वी कैन ट्राई टू कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर इंटू ए मीटर एंड लेटर ऑन A galvanometer into voltmeter. So let us start students. Students, let us try to understand what is a galvanometer, what is the use of galvanometer, on what principle galvanometer works and how does it actually look like. बिफोर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड गैलवेनोमीटर लेटेस्ट स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल थिंक अबाउट अ डिवाइस कॉल्ड एज एम मीटर स्टूडेंट्स जैसे ही हम ये डिवाइस का नाम सुनते हैं एम मीटर हमारे दिमाग में एक हिंट आ जाता है दैट एम मीटर इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूजफुल फॉर मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट अब आप ऐसा सोचिए कि मुझे जो करंट मेजर करना है वो है वन मिली एमपियर या फिर उससे भी छोटा करंट मान लेते हैं स्टूडेंट जीरो पॉइंट टू मिली एमपियर या फिर इससे भी छोटा करंट बच्चों तो एम मीटर जैसा डिवाइस इस काम में हमारी बिल्कुल भी हेल्प नहीं कर सकता स्टूडेंट्स इतने कम करंट को मेजर करने के लिए वी नीड अ डिवाइस विच इज क्वाइट सेंसिटिव टू करंट एंड दैट सेंसिटिव डिवाइस इज गैल्वेनोमीटर स्टूडेंट्स गैल्वेनोमीटर इज अ सेंसिटिव डिवाइस ये नाम जिसको समझ में आ गया उसको आधा लेक्चर तो वहीं समझ गया गैल्वेनोमीटर इज अ सेंसिटिव डिवाइस मतलब छोटे से छोटे करंट पे गैल्वेनोमीटर विल शो गुड अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन समझ में बात आ रही है स्टूडेंट्स ये राइट अभी गैल्वेनोमीटर को हम थोड़ा समझने की कोशिश करें स्टूडेंट्स अब ये गैल्वेनोमीटर कैसा दिखता है ये मैं आपको बता दूं बच्चों गैल्वेनोमीटर ऐसा दिखता है स्टूडेंट्स थोड़ा सा स्टूडेंट्स हम लोग गैलवेनोमीटर के रिलेटेड थ्योरी समझ ले गैल्वेनोमीटर गैलवेनोमीटर इज अ डिवाइस यूज टू डिटेक्ट वीक इलेक्ट्रिक करंट्स इन अ सर्किट रिसेंटली हमने डिस्कस किया बच्चों ये इट हैज अ अल पाइवोटेड बिटवीन कॉनकेव पोल फेसेस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग लैमिनेटेड हॉर शू मैग्नेट समझेगा स्टूडेंट्स ये when an electric current passes through the coil the coil will deflect and this deflection is proportional and this deflection is proportional to the current passing through the coil now this deflection can be read with the help of a pointer attached to it students हमने सीखा स्टूडेंट्स जितना ज़्यादा करंट उतना ज़्यादा डिफ्लेक्शन बेसिकली करंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफ्लेक्शन एंड वो डिफ्लेक्शन जो है स्टूडेंट्स वो हम लोग मेजर कर सकते हैं रीड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ पॉइंटर अटैच टू द कॉइल नाउ पोजिशन ऑफ द पॉइंटर ऑन द स्केल प्रोवाइडेड इंडिकेट्स द करंट पासिंग थ्रू द गैलवेनोमीटर एंड स्टूडेंट्स थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन करके हम लोग इसको पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं स्टूडेंट्स दिस पॉइंटर इज़ कनेक्टेड टू एंगुलर स्केल और अब जितना अमाउंट ऑफ करंट बेसिकली फ्लो होगा उतना ये पॉइंटर के डिफ्लेक्शन से एंगुलर स्केल के ऊपर हमें रीडिंग मिल जाएगा स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स दिस इज अबाउट द बेसिक्स ऑफ गैलवेनोमीटर और भी ज़्यादा डिटेल में जैसे कि स्टूडेंट्स अभी अभी मैंने आपसे एक स्टेटमेंट कहा मैंने कहा दैट आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा अब यहाँ पे हम इसे लॉजिकली अज्यूम कर रहे हैं यही फॉर्मूला आई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा को स्टूडेंट्स हम लोग मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में एनालिटिकली प्रूव करके भी देखेंगे बट करंट इलेक्ट्रिसिटी पॉइंट ऑफ व्यू This much knowledge of galvanometer is sufficient. Let us move on, students. Students, now I have to teach you how to convert galvanometer into ammeter and also how to convert galvanometer into voltmeter. दिस इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स पहले हम सीखेंगे हाउ टू कन्वर्ट गैलवेनो मीटर इंटू एम मीटर लेटर ऑन स्टूडेंट्स वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ टू कन्वर्ट गैलवेनोमीटर इंटू वोल्ट मीटर बट ये समझने के लिए स्टूडेंट्स हमें थोड़ा सीरीज एंड पैरल कॉम्बिनेशन का नॉलेज गेन करना पड़ेगा वैसे तो स्टूडेंट्स ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में आपको इस लेवल पर आना चाहिए बट जो बच्चे वीक है थोड़े से उनके लिए मैं थोड़ा अलग से लेक्चर दे दूँ ओके स्टूडेंट्स सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस ट्राई टू गेन नॉलेज ऑन सीरीज कॉम्बिनेशन स्टूडेंट्स अभी मैं यहाँ क्या करने वाला हूँ स्टूडेंट्स आई विल कनेक्ट टू रेजिस्टर्स ओके वन एंड टू बच्चों अस से दिस फर्स्ट रेजिस्टर इज़ आर वन एंड सेकेंड इज स्टूडेंट्स आर टू क्या मैं ऐसा कहूँ दैट रजिस्टर आर वन एंड रजिस्टर आर टू दोनों सीरीज में है तो बच्चों इक्वी वैलेंट रेजिस्टेंस मतलब आप कह सकते हो आर एस क्योंकि मैंने आर वन एंड आर टू को सीरीज में कनेक्ट किया है सो स्टूडेंट्स इक्वी वैलेंट रेजिस्टेंस होगा आर एस इज इक्वल्स टू आर वन प्लस आर टू समझिएगा स्टूडेंट्स ये सो फॉर इक्वी वैलेंट रेजिस्टेंस का सीरीज कॉम्बिनेशन आर एस मुझे आंसर मिलेगा आर वन प्लस आर टू सिंपली सबको आप प्लस कर लीजिए दैट्स स्टूडेंट्स लेट एस टेक अ सिंपल एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड दिस ओके स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स लेट मी कनेक्ट टू ओहम रेजिस्टर इन सीरीज विद थ्री ओहम रेजिस्टर क्या मैं ऐसा कहूँ स्टूडेंट्स दैट इक्वी वैल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन आर एस होगा सिंपली याद करिए स्टूडेंट्स आर वन प्लस आर टू दैट इज़ टू ओह प्लस थ्री ओह यानी स्टूडेंट्स आपको आंसर मिल जाएगा फाइव ओह बच्चों सो द नोटिसेबल फैक्ट हीयर इज आउट ऑफ टू ओह एंड थ्री ओह डेफ़िनेटली बच्चों थ्री ओह है वो बड़ा है एंड जो इक्वी वैलेंट रेजिस्टेंस है जो फाइव ओह है वो उससे भी बड़ा है मतलब स्टूडेंट्स ये हुआ सीरीज कॉम्बिनेशन हम तभी यूज़ करेंगे जब हमें इक्वी वैलेंट रेजिस्टेंस को बढ़ाना होगा एंड दूसरी बात जो इक्वी वैलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन का आंसर होगा वो बड़े वाले रेजिस्टेंस से भी बड़ा होगा ये आपको ध्यान से समझना है स्टूडेंट्स ओके स्टूडेंट्स नाउ लेटेस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द बेसिक ऑफ रेजिस्टर्स इन पैरेलल ये देखिए स्टूडेंट्स आई एम कनेक्टिंग रेजिस्टर आर वन इन पैरेलल विथ अनदर रेजिस्टर आर टू ओके बच्चों यहाँ पे मैं थोड़ा कनेक्शन भी दिखा दूँ ये ठीक है स्टूडेंट्स कैन आई से इन दिस कॉम्बिनेशन बच्चों आर वन एंड आर टू आर कनेक्टेड इन पैरल तो स्टूडेंट्स इक्वी वैलेंट रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे वन अपॉन आर पी इज इक्वल्स टू स्टूडेंट्स वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू फॉर टू रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन पैरल स्टूडेंट्स वन अपॉन आर पी को मैं लिख सकता हूँ वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू इसको थोड़ा अगर हम सिंप्लीफाई कर ले बच्चों तो हमें एक फॉर्मूला मिलेगा जिसको हम एज अ शॉर्टकट यूज कर सकते हैं एंड दैट फॉर्मूला विल लुक लाइक दिस आर पी इज इक्वल टू आर पी ना डिवाइडेड बाय आर वन प्लस आर टू जिसको हम आसान भाषा में कहते हैं प्रोडक्ट अपॉन सम तो बच्चों आर पी क्या होगा प्रोडक्ट अपॉन सम दैट इज आर वन इंटू आर टू डिवाइडेड बाय आर वन प्लस आर टू जब मैं स्टूडेंट दो रजिस्टर को आर वन आर टू को पैरेलल में कनेक्ट करूँगा तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर पी क्या हो जाएगा प्रोडक्ट अपॉन दैट इज आर वन इन टू आर टू द होल अपॉन आर वन प्लस लेट अस टेक अ न्यूमेरिकल एग्जांपल टू मेक यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट इन डेप्थ लेट्स स्टूडेंट्स मैं टू ओह रेजिस्टर को थ्री ओ रेजिस्टर के साथ पैरेलल में कनेक्ट कर रहा हूँ मैंने कहा स्टूडेंट्स रेजिस्टर ऑफ टू ओहम इज़ कनेक्टेड इन पैरेलल विद रेजिस्टर ऑफ थ्री ओम तो बच्चों अभी अभी मैंने आपको वो शॉर्टकट सिखाया दो रेजिस्टर इन पैरेलल का आपको आर पी मिल जाएगा आपको स्टूडेंट्स फॉर्मूला मिल जाएगा प्रोडक्ट अपॉन सम बच्चों टू एंड थ्री का प्रोडक्ट क्या होगा सिक्स डिवाइड बाय प्रोडक्ट अपॉन क्या था बच्चों क्या हो जाएगा फाइव तो बच्चों ओवरऑल आपको output मिल जाएगा oh. बच्चों right? तो आपको इक्वी वैलेंट रेजिस्टेंस मिल जाएगा one point two Students, क्या मैं ऐसा कहूं दैट आउट ऑफ टू ओह एंड थ्री ओह टू ओह छोटा है एंड ये जो हमें इक्वी वैलेंट रेजिस्टेंस इन पैरल मिल रहा है 1.2 पॉइंट बच्चों ये तो 2 ओम से भी छोटा है इसका कंक्लूजन ये निकलता है स्टूडेंट्स दैट व्हेन वी यूज रेजिस्टर्स इन पैरल जो इक्वी वैलेंट हमें मिलता है वो छोटे वाले रेजिस्टर से भी छोटा होता है स्टूडेंट्स वेन वी हैव नंबर ऑफ रजिस्टर्स एंड हमें जब इक्वी वैलेंट रेजिस्टेंस को डिक्रीज करना होगा सो वी विल यूज रेजिस्टर्स इन पैरल कॉम्बिनेशन ये समझना है स्टूडेंट्स हमें ओके स्टूडेंट्स लेट अस ट्राई टू सम दिस टू कॉन्सेप्ट्स ऑफ सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन स्टूडेंट सीरीज कॉम्बिनेशन में हमने सीखा दैट सीरीज़ कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिलेगा वो बड़े वाले से भी बड़ा होगा इसीलिए जब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें इंक्रीज़ करना होगा सो वी हैव टू गो विथ सीरीज कॉम्बिनेशन राइट एंड स्टूडेंट्स फिर हम लोगों ने पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये सीखा कि जो पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्वी वैलेंट रेजिस्टेंस मिलेगा वो छोटे वाले से भी छोटा होगा एंड ये क्लियरली हमें समझना है जब हमें इक्वी वैलेंट रेजिस्टेंस को डिक्रीज करना होगा सो वी हैव टू गो विद पैरल कॉम्बिनेशन स्टूडेंट्स ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सीरीज एंड पैरल के जो मुझे स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म करना था कैसे करना है ना लेटस ट्राई टू अप्लाई दिस इनर लेक्चर ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी let us try to convert galvanometer into ammeter and later on galvanometer into voltmeter i think now we are ready for understanding how to convert galvanometer into an ammeter students फर्स्ट ऑफ़ ऑल वी शुड अंडरस्टैंड दैट एम बीटर विल बी एबल्ड टू मेजर एंटायर करेंट जब उससे वो पूरा करंट फ्लो होगा एंड स्टूडेंट्स पूरा का पूरा करंट फ्लो करवाने के लिए रेजिस्टेंस शुड बी एज लो एज पॉसिबल इसीलिए ऐसा कहा जाता है स्टूडेंट्स दैट फॉर एन आइडियल आइडियल एम मीटर रेजिस्टेंस शुड बी जीरो फॉर एन आइडियल एम मीटर स्टूडेंट्स रेजिस्टेंस शुड बी जीरो नाउ स्टूडेंट्स वेन आई से आइडियल एम मीटर दिस इज एंटायरली अ थेरोटिकल कॉन्सेप्ट लेकिन हाँ ये बात इसे आपको क्लियरली समझ जाएगी कि अगर आपको एक सुपर वाला एम चाहिए तो आपको उसका रेजिस्टेंस जो है वो कम से कम रखना पड़ेगा स्टूडेंट्स आप ही सोचिए फॉर एन आइडियल एम मीटर रेजिस्टेंस शुड बी ज़ीरो ओके okay? तो जितना हो सके उतना आप रेजिस्टेंस को मिनिमाइज़ तो कर सकते हो प्रैक्टिकल लाइफ में हम ज़ीरो नहीं कर सकते भाई मिनिमाइज़ तो कर सकते हैं तो स्टूडेंट्स माई कंक्लूजन इज एमीटर का रेजिस्टेंस शुड बी एज लो एज पॉसिबल ये समझेगा स्टूडेंट्स तो बच्चों अभी अभी हम लोगों ने समझा कि रेजिस्टेंस को जब भी डिक्रीज करना होगा तो हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन का यूज़ करेंगे और एक बात हमने स्टूडेंट समझी एक की पॉइंट हमने समझा दैट पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें मिलता है वो छोटे वाले रेजिस्टेंस से भी छोटा होता है समझ में आ रही बात बच्चों तो पैरेलल कॉम्बिनेशन से पहली बात कि रेजिस्टेंस हमें कम मिलेगा और दूसरी बात कि पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिलेगा वो छोटे वाले से भी छोटा मिलेगा एंड स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि हमें एमीटर के लिए जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा छोटा रखना है सो वी हैव टू कीप रेजिस्टेंस एज़ लो एज़ पॉसिबल तो स्टूडेंट्स हम लोग पैरल कॉम्बिनेशन यूज़ करेंगे एंड दूसरी बात वो जो कॉम्बिनेशन पैरल में हम लगाएंगे हमारे गैलवेनोमीटर के साथ उसका रेजिस्टेंस बहुत छोटा होना चाहिए तो बच्चों गैलवेनोमीटर के साथ मुझे पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक रेजिस्टर कनेक्ट करना है राइट एंड ऑब्वियसली दैट रेजिस्टेंस शुड बी वेरी वेरी लो क्योंकि बच्चों मुझे तो आंसर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का हो सके उतना छोटे से छोटा चाहिए सो वी हैव टू कनेक्ट वी हैव टू कनेक्ट स्टूडेंट्स लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल this point is very much important students in order to convert galvanometer into ammeter मतलब बच्चों हमें तो equivalent resistance कम रखना है okay तो इसीलिए हम parallel का use कर रहे हैं and parallel से फायदा ये होगा कि जो equivalent resistance आएगा वो छोटे वाले से भी छोटा होगा तो इसीलिए जो resistance student ये जो S आप देख रहे हो ना यहाँ पे ये जो resistance मैंने galvanometer के साथ पैरेलल में कनेक्ट किया है उसका खुद का रेजिस्टेंस का वैल्यू बहुत कम है इसलिए पारसर ने कहा दैट इन ऑर्डर टू कन्वर्ट गैलवेनोमीटर इनटू एमीटर वी हैव टू कनेक्ट लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल आई रिपीट स्टूडेंट्स वी हैव टू कनेक्ट लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल एंड स्टूडेंट्स

तो जाहिर सी बात है बच्चों की ये जो एस है वो क्या है शंट है ओके और ये शंट का खुद का रेजिस्टेंस क्या होता है बच्चों बहुत छोटा होता है इसलिए तो पारस सर ने कहा दैट शंट का मतलब हुआ लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल ओके स्टूडेंट्स अभी ये जो सर्किट में करंट मुझे यहाँ दिख रहा है ना बच्चों दिस करंट आई इज कमिंग एट दिस जंक्शन मैं सिंपल टर्म्स में स्टूडेंट्स के सी एल का यूज़ करने वाला हूँ। तो पूरे सर्किट का जो मुझे करंट आए मिला इनकमिंग करंट ना बच्चों टोटल करंट राइट और ये जो पॉइंट मैंने सर्कल जैसा बनाया दिस इज़ लाइक जंक्शन स्टूडेंट्स ये जो गैलवेनोमीटर है जी उससे जो करंट फ्लो होगा उसे हम क्या नाम देंगे आई जी डैट मीन्स आई जी इज करंट फ्लोइंग थ्रू द गैलवेनोमीटर स्टूडेंट्स जो रिमेनिंग करंट है आई में से बच्चों आई जी से ऊपर से चला गया जो रिमेनिंग करंट है यानी करंट फ्लोइंग थ्रू शज आई एस अब ऑब्वियस ऑब्वियसली बात है बच्चों टोटल करंट क्या था आई गैलवेनो से कितना फ्लो हो गया आई जी तो अगर मैं इस जंक्शन पे के सी एल यूज़ करता हूँ सो so मुझे समझेगा दैट रिमेनिंग करंट इज आई माइनस आई जी ल फ्लो थ्रू शन तो बच्चों मुझे बताइए गैलवेनोमीटर से कितना करंट फ्लो हुआ आई जी एंड रिमेनिंग करंट श्लो हुआ दैट करंट इज बच्चों आई माइनस आई जी स्टूडेंट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी है हालाँकि ये इस डेरिवेशन से थोड़ा अलग है एक्सटर्नल ये आपसे पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स क्या मैं ऐसा कहूँ के शंट का मतलब हुआ लो रेजिस्टेंस इन पैरल राइट मतलब कैन आई से स्टूडेंट्स एक्सेसिव करंट जो होगा वो शंट से फ्लो हो जाएगा मतलब शंट का और एक एप्लीकेशन होगा इस सर्किट में ये आपके गैलवेनोमीटर को डैमेज होने से बचाएगा क्योंकि जो ज्यादा वाला करंट है वो तो शंट से फ्लो हो गया सो आपका गैलवेनोमीटर डैमेज नहीं होगा ये एक्स्ट्रा पार्ट मुझे आपको बताना था स्टूडेंट्स नाउ लेट अस कम बैक टू अवर डेरिवेशन स्टूडेंट्स गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस इज जी लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल मतलब शंट का रेजिस्टेंस इज एस टोटल करंट इज आई ओके स्टूडेंट्स गैल्वेनोमीटर से फ्लो हुआ वो आई जी एंड जो शंट से फ्लो हुआ वो है स्टूडेंट्स आई माइनस ओके अभी बच्चों मैं एक काम करने वाला हूँ मैं ये जो ऊपर वाला ब्रांच है ये जो ऊपर वाला ब्रांच है मतलब बच्चों गैलवेनोमीटर वाला ब्रांच उसका मैं पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करने वाला हूँ स्टूडेंट्स पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करने का हमारा इस चैप्टर का फेवरेट फॉर्मूला ओहम लॉ बच्चों। ऊपर वाले ब्रांच से यानी गैलवेनोमीटर वाले ब्रांच से जो पोटेंशियल डिफरेंस है बच्चों वो है करंट इन टू रेजिस्टेंस बच्चों वी इज इक्वल टू आई आर सो करंट इज आई जी एंड रेजिस्टेंस विल बी जी बच्चों मतलब गैल्वेनोमीटर वाला जो ब्रांच है जो ऊपर वाला ब्रांच है उसका मुझे पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया V इज इक्वल टू आई आर यूज़ किया मतलब करंट इन टू रेजिस्टेंस करंट कितना फ्लो हो रहा है बच्चों आई जी क्या रेजिस्टेंस है गैलवेनो का जी ये ठीक है स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स अभी मैं ये लोअर ब्रांच लोअर ब्रांच मतलब बच्चों ये जो शंट वाला ब्रांच है उसका पोटेंशियल डिफरेंस ढूंढ लो। स्टैंडर्ड फॉर्मूला ओम स्टॉ वी इज इक्वल टू आई आर तो बच्चों इस ब्रांच से मैं कह सकता हूँ करंट है आई माइनस आई जी और बच्चों शंट का रेजिस्टेंस क्या है एस समझने की कोशिश करिए बच्चों ऊपर वाले ब्रांच का पोटेंशियल डिफरेंस आई जी जी एंड नीचे वाला यानी शंट वाले ब्रांच का पोटेंशियल डिफरेंस स्टूडेंट्स आई माइनस आई जी द होल इंटू एस तो ये मैंने दोनों ब्रांचेस का स्टूडेंट्स पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर लिया अब एक स्मार्ट बच्चा तुरंत सोचेगा कि सर आपने पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट किया है क्योंकि ये जो गैलवेनोमीटर है एंड ये जो शंट है बच्चों वो दोनों पैरेलल में है एंड पैरेलल का रूल होता है दैट पोटेंशियल डिफरेंस को हम इक्वेट कर सकते हैं तो क्यों ना बच्चों ये दोनों पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग इक्वेट कर ले मतलब समझे आप मैं लिखने वाला हूँ बच्चों आई जी इंटू जी इज इक्वल्स टू आई माइनस आई जी द होल इंटू एस लेटस लुक दैट फार्मूला इन स्लाइड ये देखिए बच्चों वो फॉर्मूला मैं आपको दिखा दूँ बच्चों यही वाला फॉर्मूला मैंने क्या किया है मैंने बच्चों दोनों का जो इक्वी वैलेंट पोटेंशियल डिफरेंस था वो इक्वेट कर लिया ये देख लीजिए बच्चों आई जी इंटू जी इज इक्वल्स टू आई माइनस आई जी द होल इंटू एस आई जी इंटू जी इज इक्वल्स टू स्टूडेंट्स आई माइनस आई जी द होल इंटू एस क्यों ना मैं इसे रीअरेंज करके बच्चों शंट का फॉर्मूला कैलकुलेट कर लूँ स्टूडेंट्स शंट का फॉर्मूला होगा आई जी इन टू जी द होल अपॉन आई माइनस आई जी स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला को मैं इंपॉर्टेंट मार्क कर दू आप इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर दे शंट का फॉर्मूला एस इज इक्वल्स टू आई जी जी डिवाइड बाय आई माइनस आई जी मैंने कहा स्टूडेंट शंट का इज़ आई जी जी डिवाइड बाय आई माइनस आई जी ये समझेगा स्टूडेंट्स ओके okay? यस yes. तो बच्चों ये हमारा शंट का इम्पोर्टेंट वाला फॉर्मूला हमें मिल गया जिसको हमने इम्पोर्टेंट मार्क किया आई जी जी डिवाइड बाई बच्चों आई माइनस आई जी अभी एक ट्रिकी स्टेप मुझे आपको बताना है बच्चों क्या मैं ऐसा कहूँ लेट मी शो यू दैट स्लाइड बच्चों। क्या मैं ऐसा कहूँ यस yes. क्या मैं ऐसा कहूँ कि बच्चों गैलवेनोमीटर से जो करंट फ्लो हो रहा था वो था आई ओके okay? मुझे बच्चों गैलवेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना है मतलब मुझे जो आई मेजर कर रहा है गैलवेनोमीटर मुझे उसके पास से बच्चों आई मेजर करवाना है मतलब स्टूडेंट्स मुझे रेंज को एन टाइम्स इंक्रीज करना है द मोरल ऑफ द स्टोरी इज आई जी शुड बिकम आई जी शुड बिकम एन टाइम्स ऑफ आई जी तभी मुझे समझेगा कि आई विल बी एन टाइम्स ऑफ आई जी स्टूडेंट्स क्या मैं ऐसा कहूँ मतलब इस केस में हम लोग रेंज को गैलवेनो के रेंज को एन टाइम्स इंक्रीज करना चाहते हैं नाउ लेट मी रिमाइंड यू स्टूडेंट्स जब भी हम गैलवेनो को एमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हम रेंज को तो एन टाइम्स बढ़ा देंगे बट बच्चों सेक्रीफाइस करना होगा सेंसिटिविटी का मतलब जैसे ही रेंज एंड टाइम्स बढ़ जाएगा जो सेंसिटिविटी है बच्चों वो एंड टाइम्स कम हो जाएगा बट राइट नाउ आई एम वरीड अबाउट रेंज तो मैं बच्चों आई को लिखने वाला हूँ एंड टाइम्स ऑफ आई जी समझेगा स्टूडेंट्स मैं आई को क्या लिखने वाला हूँ एंड टाइम्स ऑफ आई जी स्टूडेंट्स रिसेंटली मैंने आपको एक फार्मूला दिखाया ये एक फार्मूला दिखाया ये शंट वाला फार्मूला दिखाया बच्चों अभी एक ट्रिकी स्टेप ये है स्टूडेंट्स कि ये जो फॉर्मूला है हमारे पास उसमें हम लोग क्या करेंगे बच्चों हम लोग न्यूमेरेटर एंड डिनोमिनेटर को आई जी से डिवाइड कर देंगे पारस सर ने कहा हम लोग शंट वाले फॉर्मूला को न्यूमेरेटर एंड डिनोमिनेटर में आई जी से क्या कर देंगे डिवाइड करेंगे डिवाइडिंग न्यूमेरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय आई जी तो बच्चों मैं आपको वो स्लाइड दिखा दूँ जिसमें हमने आई जी से डिवाइड करना है ये देखिए बच्चों मैंने आई जी से यहाँ पे डिवाइड कर लिया सो so, एडवांटेज ये होगा स्टूडेंट्स कि यहाँ से आई जी कैंसल हो गया ओके okay? और यहाँ पे डिनोमिनेटर में हम लोग स्प्लिट कर पाएंगे बच्चों ये न्यूमिनेटर से आई जी कैंसिल हो गया ना बच्चों और यहाँ देखिए आपको क्या मिल गया जी डिवाइड बाय ये जो आई जी है बच्चों इसे मैं स्प्लिट कर लूँ आई अपॉन आई जी माइनस बच्चों आई जी अपन आई जी आई जी अपॉन आई जी मतलब वन बच्चों क्या हम जानते हैं कि आई इज़ एन टाइम्स ऑफ आई जी सो स्टूडेंट्स वॉट इज़ आई डिवाइड बाय आई जी स्टूडेंट्स आई डिवाइड बाय आई जी का मतलब होगा एन तो स्टूडेंट्स हमें एक बहुत सुपर वाला फॉर्मूला मिल गया एंड दैट फार्मूला लुक्स लाइक शंट एस इज इक्वल्स टू जी डिवाइड बाय एन माइनस वन एंड वॉट इज एन बच्चों एन इज आई डिवाइड बाय आई जी ये फार्मूला से आप समझे बच्चों ओके okay? अभी भी अगर कुछ बच्चे क्वेरी सोच रहे कि सर ये एन क्या होता है तो वो बच्चों के लिए थोड़ा मैं अलग से एक एग्ज़ाम्पल एक देना चाहूँगा लेटेस्ट से स्टूडेंट्स गैलवेनोमीटर इज मेजरिंग मैक्सिमम वन मिली एम्पियर एक एग्जाम्पल एक दे रहा हूँ बच्चा मैं ताकि आपको क्लियरली समझ जाए लेटेस से गैलवेनोमीटर इज एबल टू मेजर वन मिली एम्पियर अब बच्चों मुझे उसे जब एमीटर में कन्वर्ट करना है तो मैं चाहता हूँ कि वो वन एम्पियर मेजर कर सके तो स्टूडेंट समझे राइट नाउ गैलवेनोमीटर इज़ एबल टू मेजर वन मिली एम्पियर हम जब उसे एमीटर में कन्वर्ट करें सो वी वांट दैट एमीटर मीटर शू मेजर करंट अप टू वन एम्पियर मतलब क्या मैं ऐसा कहूँ बच्चों कि मुझे जो रेंज है उसे हज़ार गुना बढ़ाना है मुझे रेंज को वन थाउजेंड टाइम्स इंक्रीज़ करना है और बच्चों यही जो 1000 है ये आपके n का वैल्यू है समझ में आ रही है बात बच्चों ये आंसर कैसे आया बच्चों जल्दी बताइए मुझे 1 मिली एंपियर से हम 1 एंपियर जाना चाहते हैं बच्चों तो हम लोग रेंज को 1000 टाइम्स इंक्रीज करना चाहते हैं तो n का वैल्यू बच्चों 1000 एंड मैक्सिमम टाइम्स बच्चों ये जो बड़ा वाला फार्मूला था ना शंट का आईजीजी डिवाइड बाय आई माइनस आईजी ये वाला फार्मूला बच्चों उससे ये इजी होता है मोस्ट ऑफ द टाइम ये फार्मूला भी आप नोट कर ले बच्चों अभी स्टूडेंट्स क्या मैं ऐसा कहूँ कि मैंने सर्किट में गैलवेनोमीटर को शंट के साथ पैरेलल में कनेक्ट किया था बच्चों तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्वी रेजिस्टेंस हम कैसे निकालते हैं शॉर्टकट मैंने आपको बताया स्टूडेंट्स दैट इक्वी रेजिस्टेंस इज गिवन बाय द फार्मूला प्रोडक्ट अपॉन सम मैंने कहा बच्चों प्रोडक्ट अपॉन वो स्लाइड में आपको दिखा दूँ ये लीजिए बच्चों एंड को मैंने पैरेलल में कनेक्ट किया है तो बच्चों होगा product upon sum. ये आप note कर ले बच्चों आर इक्विवेलेंट इज एस जी डिवाइड बाय एस प्लस जी सो टक नंबर टू फॉर अर्ज टूडे इज़ टू कन्वर्ट गैलवानोमीटर इन टू वोल्ट मीटर सबसे पहले हम ये क्लियरली समझ ले स्टूडेंट्स दैट फॉर एन आइडियल वोल्ट मीटर रेजिस्टेंस शुड बी इन्फिनिटी बच्चो मैंने कहा फॉर एन आइडियल वोल्ट मीटर रेजिस्टेंस शुड बी इन्फिनिटी बच्चो अब ये तो बेटा थेरोटिकल बात हो गई प्रैक्टिकल लाइफ में हम ऐसा सोचेंगे कि रेजिस्टेंस इन्फिनिटी का मतलब क्या हुआ बच्चों रेजिस्टेंस को हम मैक्सिमम करेंगे वी विल ट्राई टू कीप मैक्सिमम रेजिस्टेंस ओके स्टूडेंट्स एंड आज ही मैंने आपको लेक्चर के पहले बताया स्टूडेंट्स के रेजिस्टेंस को जब भी मैक्सिमाइज करना होगा सो वी हैव टू यूज़ रेजिस्टर्स इन सीरीज वाला कॉन्सेप्ट तो स्टूडेंट्स क्या मैं ऐसा कहूँ कि आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इन्फिनिटी होता है ओके okay? ये तो बेटा थेरोटिकल बात हो गई प्रैक्टिकल लाइफ में हम ऐसा सोचेंगे कि जो रेजिस्टेंस है उसे हम मैक्सिमाइज करेंगे अब रेजिस्टेंस को मैक्सिमाइज करने का मतलब होता है स्टूडेंट्स वी हैव टू फॉलो सीरीज कॉम्बिनेशन एंड बच्चों सीरीज कॉम्बिनेशन का रूल हमें याद करना पड़ेगा सीरीज कॉम्बिनेशन का रूल इज़ के जो इक्वी वैलेंट रेजिस्टेंस हमें मिलता है वो बड़े वाले रेजिस्टेंस से भी बड़ा होता है दैट इज द रीजन स्टूडेंट्स हियर वी हैव टू फॉलो सीरीज कॉम्बिनेशन फॉर श्योर एंड दैट टू बच्चों हमें यूज करना पड़ेगा हाई रेजिस्टेंस सो स्टूडेंट्स इन दिस सर्किट जो मैंने आपके सामने स्लाइड में दिखाया है ये जो आप आर देख पा रहे हो दिस आर इज ई रेजिस्टेंस इन सीरीज मैंने कहा दिस आर इज हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज सीरीज मतलब बच्चों हमने इसे गैलवेनोमीटर के साथ सीरीज में कनेक्ट किया है इसी के चलते बच्चों हम लोग हमारा टास्क पूरा कर पाएंगे एंड दैट टास्क इज़ टू कन्वर्ट गैलवेनोमीटर इन टू वोल्ट मीटर सो स्टूडेंट्स ये जो मैंने आर कनेक्ट किया है ये क्या है दिस इज़ एक्चुअली हाई रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज विथ आवर गैलवेनोमीटर ये समझेगा बच्चों क्या मैं ऐसा कहूँ स्टूडेंट्स के जो टोटल करेंट आप देख पा रहे हैं दैट इज़ आई ओके स्टूडेंट्स अभी गैलवेनोमीटर से जो करेंट फ्लो होगा दैट विल बी आई जी बट स्टूडेंट्स ये जो जी है ये जो आर है ये दोनों तो सीरीज़ में है एंड सीरीज़ का रूल होता है दैट करंट सेम फ्लो होगा तो बच्चों अगर गैलवेनो से ये आई फ्लो हो रहा है तो ये रेजिस्टेंस आर से भी कितना फ्लो होगा आई फ्लो होगा तो स्टूडेंट्स मुझे बताइए गैलवेनोमीटर से कितना करंट फ्लो हो रहा है आई रेजिस्टेंस आर से कितना करंट फ्लो हो रहा है आई सेम करंट क्योंकि जी एंड आर ये दोनों बच्चों सीरीज में है ओके कनाई से स्टूडेंट्स पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस गैलवेनोमीटर इज वी जी और राइट कैन आई से स्टूडेंट्स पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिटेंस आर इज़ वी आर मतलब साफ है बच्चों टोटल जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा एंड टू एंड बच्चों अगर मान लूँ वो वी है सो डेफिनेटली वी को मैं लिख सकता हूँ डेफिनेटली बच्चों में वी को लिख सकता हूँ वी जी प्लस वी आर सो वॉट इज वी स्टूडेंट्स पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दीज टू पॉइंट्स आसान भाषा में आप ये वी को टोटल पोटेंशियल डिफरेंस भी कह सकते हैं बच्चों व्हाट इज वी जी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस गैल्वेनोमीटर व्हाट इज वी आर बच्चो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस आर तो न्यूमेरिकली हम क्या लिखेंगे बच्चों वी इज इक्वल्स टू वी जी प्लस वी आर मैंने कहा बच्चों वी इज इक्वल्स टू वी जी प्लस वी आर अच्छा बच्चों क्या मैं ऐसा कहूँ कि ये जो वी जी है वी जी बच्चो वी जी यानि पोटेंशल डिफरेंस अक्रॉस गैल्वेनोमीटर ओम स्लो यूज कर लो बच्चो वी इज इक्वल्स टू आई आर यानी आई जी इंटू जी बच्चो तो वी जी हो गया आई जी इंटू जी स्टूडेंट्स राइट बट यूजिंग ओम स्लो कैन यू फाइंड वी आर वी इज इक्वल टू आई आर बच्चो करंट बताइए आई जी रेजिस्टेंस बताइए आर तो आपको मिलेगा वी इज इक्वल्स टू वी जी प्लस वी आर फिर बेटा आप वी जी को लिख लेना आई जी जी आप वी आर को सब्स्टिट्यूट कर लेना आई जी आर ये स्टूडेंट्स डिफ़िकल्ट स्टेप था मैंने सर्किट के हेल्प से आपको बताया अभी हम वो स्लाइड के तरफ जा रहे हैं ओके okay, स्टूडेंट्स ये लीजिए बच्चों आपका स्लाइड तैयार है हमने पहले ही आपसे कहा वी याने टोटल पोटेंशियल डिफरेंस वी याने टोटल पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा बेटा वी जी प्लस वी आर नेक्स्ट स्टेप में बच्चों वी बेटा वी इज इक्वल टू वी जी प्लस वी आर नेक्स्ट स्टेप में बेटा वी जी को क्या लिखेंगे आई जी इंटू जी बच्चों वी आर को क्या लिखेंगे आई जी इंटू आर क्या मैं ऐसा कहूँ कि नेक्स्ट स्टेप में बच्चों में ये आई जी को कॉमन ले सकता हूँ वेनाईटेक आई जी कॉमन स्टूडेंट्स मुझे ब्रैकेट में मिल जाएगा जी प्लस आर लेट मी रीअरेंज दिस फॉर्मूला बच्चों वी डिवाइड बाई आई जी इज इक्वल्स टू जी प्लस आर फाइनल स्टेप बच्चों हमें तो आर का फॉर्मूला कैलकुलेट करना था आर का फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों वी अपॉन आई जी माइनस जी आर का फॉर्मूला बच्चों आर का फॉर्मूला यानि हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज विद गैल्वेनोमीटर का फॉर्मूला हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज विद गैल्वेनोमीटर का फॉर्मूला आर इज इक्वल्स टू बच्चो वी डिवाइड बाई आई जी माइनस जी अभी स्टूडेंट्स क्यों ना हम लोग ये सेम फॉर्मूला को एन के फॉर्म में कन्वर्ट कर ले एन रिसेंटली जो हमने एम मीटर वाले टास्क में किया था बच्चों सिमिलर स्टेप हम यहाँ पे कर सकते हैं लेटस्ट ट्राई टू कन्वर्ट दिस फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ एन क्या मैं ऐसा कहूँ बच्चों कि गैलवानो जो वोल्टेज मेजर कर पा रहा है दैट वोल्टेज इज़ वी जी हमें रेंज को एन टाइम्स बढ़ाना है सो so हम चाहते कि जो रेंज वी जी है वो हो जाए एन टाइम्स ऑफ वी जी तो बच्चों मतलब समझे आप जो वोल्ट मीटर है वो वी मेज़र कर लेगा सो वी विल बी एन टाइम्स ऑफ वी जी वी विल बी एन टाइम्स ऑफ वी जी मतलब स्टूडेंट्स हमें रेंज को एन टाइम्स इंक्रीज करना है सो ऑब्वियस ही बात है बच्चों नॉलेज के लिए बता रहा हूँ मैं कि जो सेंसिटिविटी है वो एन टाइम्स कम हो जाएगा बट राइट नाउ वी आर वरीड अबाउट रेंज रेंज को एन टाइम्स बढ़ाना है तो बच्चों वी को हम क्या लिख पाएंगे एंड टाइम्स ऑफ वी जी मैंने क्या कहा बच्चों ये जो वी दिख रहा है आपको ये वी को हम क्या लिख पाएंगे एंड टाइम्स ऑफ वी जी वी को हम क्या लिख पाएंगे बच्चों

वी जी अपॉन आई जी दिखा बेटा डॉट में अभी ऑरेंज से दिखा रहा हूँ वी जी अपॉन आई जी बच्चो वी जी अपॉन आई जी मतलब क्या गैल्वेनोमीटर का वोल्टेज डिवाइडेड बाय गैल्वेनोमीटर का कर बच्चो वोल्टेज अपऑन करंट का मतलब क्या होता है रेजिस्टेंस बच्चों ये वोल्टेज किसके लिए है आपका ये गैल्वेनोमीटर के लिए करंट किसके थ्रू फ्लो हो रहा है गैलवेनो से तो बच्चों ऑब्वियस सी बात है के जो रेजिस्टेंस आएगा वो भी गैल्वेनोमीटर का ही आएगा एंड स्टूडेंट्स गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस को हम लोग जी से डिनोट करते हैं तो बच्चों आर इज इक्वल्स टू मैं जी कॉमन ले लूँ ब्रैकेट में मुझे मिल जाएगा एन माइनस वन तो स्टूडेंट्स मुझे हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज़ आर का फॉर्मूला मिल गया इन टर्म्स ऑफ एन बच्चों फार्मूला कैसा मिला मुझे आर इज इक्वल्स टू जी मल्टीप्लाइड बाय एन माइनस वन लास्ट टाइम शंट वाले केस में बच्चों क्या मिला था जी डिवाइड बाय एन माइनस वन इस बार हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज आर के लिए मिला जी मल्टीप्लाइड बाय एन माइनस वन पिछले बार जी डिवाइड बाय एन माइनस वन शंट है इसके लिए इस बार बच्चों आर के लिए जी मल्टीप्लाइड बाय एन माइनस वन ओके ये आपको समझना है बेटा ठीक है अच्छा अभी क्यों ना मैं बच्चों इक्वी वैलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लूँ बट हियर द टास्क इज़ वेरी वेरी इजी क्योंकि हमने जी के साथ यानि गैलवेनोमीटर के साथ आर को यानि हाई रेजिस्टेंस को सीरीज़ में कनेक्ट किया है और बच्चों सीरीज कॉम्बिनेशन का आंसर तो हम डायरेक्टली जानते हैं सिंपली हमें प्लस कर लेना है तो आर इक्वी वैलेंट हो जाएगा बच्चों आर प्लस जी क्योंकि मैंने आर को जी के साथ सीरीज़ में कनेक्ट किया है इसको ध्यान से आप नोट कर ले बच्चों राइट स्टूडेंट्स आज हमने जितने भी कॉन्सेप्ट्स पढ़े रिलेटेड टू गैल्वेनोमीटर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स ऑन द सेम राइट सो बिफोर अटेंडिंग नेक्स्ट लेक्चर आई विल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू रिवाइज दिस लेक्चर कंप्लीटली Thank you so much students.